Dear students in this module we are going to discuss the process of transformation of family institution traditional family structures has changed over time with a shift from extended to nuclear families economic factors such as urbanization and modernization have played a key role in this transformation Particularly women's participation in the workforce has led to the greater emphasis on individualism and self-reliance. So when we see this transformation of family within the Pakistani society, we would see that many of the its aspects are more prevalent and more visible as compared to the others. Misal ke tarpe, हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशंस हैं ये जो ट्रांसफॉमेशनस हैं ये जो बड़ी तब्दीलियां हैं ये हमें अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा नज़र आती हैं ख़ास तौर पर जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं वो अल्टर हो रहे हैं फैमिली स्ट्रक्चर तब्दील हो रहे हैं और फैमिली के फंक्शनस और उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अब डिफरेंटली डेवलप हो रही हैं पहले जो फैमिली का मेजर फोकस होता था वो चाइल्ड केयर या चाइल्ड रीडिंग के ऊपर होता था आज जो त, आ, फैमिली की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो मेजर फोकस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है और ख़ास तौर पर बच्चे की एजुकेशन के ऊपर है तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशनस जो हैं ये आपके यहाँ मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर को भी लेके आ रही हैं कि जिसमें फैमिली के यूनिट को ज़्यादा फोकस किया जाता है पर्टिकुलरली मीडिया एडवर्टीज़मेंट के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे मॉडर्न फैमिली को जो है वो टारगेट किया जाता है फोकस किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज़ जो हैं वो उसी अंदाज से बनाई जाएं और उसी अंदाज से बेची जाएं जिसके अंदर फैमिली को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा सके इसी तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैमिली है उसके हवाले से एक मेजर एस्पेक्ट जिसमें ये रिफ़्लैक्शंस हमें नज़र आती हैं वो ये है कि हमारी जो सेंस ऑफ रिलीजियोसिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली वाक़ हो रही है सेंस ऑफ रिलीजॉसिटी से मुराद ये है कि आपकी जो ट्रडिशनल फैमिली थी उसका वो ज़्यादा मजहबी होती थी एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न फैमिलीज़ तो मज़हब के साथ जो एक अटैचमेंट थी वो तो चूँकि ट्रडिशनल फैमिली की जो वैल्यूज़ थी उसके साथ कम्पेटिबल थी इस वजह से वो ज़्यादा अटैच थे मॉडर्नाइजेशन की आइडियोलॉजी चूँकि महबी या रिलीजस uh, आइडियोलॉजी के हवाले से कंपैटिबल महसूस नहीं होती है तो मॉडर्न फैमिलीज़ भी जो हैं उनमें ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है दैट दे टेंड टू बी लेस रिलीजियस एज़ कम्पेयर टू दो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ फिर एक और अहम चीज़ जिसके हवाले से हम फैमिलीज़ के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं वो मैरिज पैटर्नस हैं कि डिफरेंट मैरिज पैटर्नस के अंदर हमें ये नज़र आता है कि जो कन्वेंशनल वे ऑफ मैरिज था वो अब शिफ्ट होता जा रहा है जैसे पहले जो है रिलेटिव्स रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो हैं ये आपके लिए पोटेंशियल आइडल्स या एक कन्वेंशनल स्पाउस का बंदोबस्त करते थे अब इसकी जगह पे जो ख़ास इदारे हैं जिनको हम मैरिज ब्यूरोज़ भी कह सकते हैं और सोशल मीडिया या इस तरह की स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स जो हैं वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करती हैं तो ये जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपके लिए जो पोटेंशियल स्पाउसेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाती हैं और उन उसकी बुनियाद के ऊपर आपके पास चॉइस अवेल, अवेलेबल होती है कि आप वहाँ से एक एडिकेट स्पाउस का इंतबाब कर सकें ये सारी ट्रांसफॉर्मेशनस जो हैं ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम हैं ताकि वो ये देखें कि किस तरह से फैमिली के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनस जो हैं वो आहिस्ता आहस्ता डिफ़रेंट कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में रिफ़्लेक्ट होती हैं बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी तो आपके लिए फूड फॉर थाट ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैमिली के क्या क्या फैक्टर्स हैं और उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं